हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको अपने इस वीडियो में ट्यूलिप स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पेपर लिया है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग पेपर पे करेंगे। पेपर पर कटिंग हम इसलिए करेंगे ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इस स्लीव्स की लंबाई हम 4 इंचेस रखेंगे और जो इसकी गोलाई है वो हमारी 13 इंचेस रहेगी। इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने देखिए ये जो पेपर लिया है, ये मैंने 5 इंचेस ब्रॉड लिया है इस तरीके से, और जो इसकी लेंथ है वो मैंने आर्मोल से 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिए हैं। हम जिस भी ड्रेस में ये ट्यूलिप स्लीव्स यूज करेंगे उसके हमारे जितने आर्मोल्स आ रहे हैं उस आर्मोल से हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। अब चलिए दोस्तों, हम इसकी मार्किंग करते हैं। इसकी हमारी लेंथ 4 इंचेस है, तो मैं यहाँ से देखिए टॉप से 4.5 इंचेस का मार्किंग करूँगी, लाइन ड्रॉ करूंगी। यहां से हम 3 इंचेस का अंदर की साइड मार्किंग करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जितने हमारे आर्मोल्स हैं उसकी मार्किंग करनी है, प्लस 2 इंचेस हम एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे। यहां से हमारी जितनी स्लीव्स की गोलाई है वो लेंगे और यहां से 2 इंचेस वही एक्स्ट्रा लेना है। इस मार्किंग को इस मार्किंग से मिला लेना है और इसे यहाँ से मिला लेना है। ये हमारा सेंटर का पॉइंट है। अब इस वाले सेंटर से हमें यहाँ पर 2.5 इंचेस का मार्किंग करना है और यहाँ से हमें 2.5 इंचेस का मार्किंग इस तरफ करना है। इस मार्किंग को इस मार्किंग से हमें राउंड शेप देते हुए मिला लेना है। इस तरीके से मैंने ये देखिए राउंड शेप में मार्किंग कर ली है। अब इसे वापस फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम जिस तरीके से स्लीव्स कटिंग करते हैं उस तरीके की मार्किंग यहाँ पर करेंगे और इसे इसी शेप में यहां से कट कर लेंगे। यहां पर हम सेंटर का कुटका लगाएंगे और इसे हम यहां से इसी शेप में कट कर लेंगे। अब हम ये लाइनिंग लेंगे, इसे हम इस तरीके से 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। इसे इस तरीके से रखेंगे और इसकी हम इस तरीके से चॉक से मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हमें इसे इसी मार्किंग के ऊपर कट करना है। इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। यहां से हम सेंटर का कुटका लगाएंगे, यहां से हम 2 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसका कुटका लगा लेंगे। अब हम इसे अपने मेन पीस के ऊपर रखते हुए कटिंग कर लेंगे। इसे आयरन की सहायता से चिपका दिया है। अब चलिए हमें इसे स्टिच किस प्रकार से करना है वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके आउटसाइड में हम पाइपिंग लगाएंगे, तो मैंने ये देखिए उरेब पाइपिंग बना ली है। आपको भी इस तरीके से उरेब पाइपिंग बनानी है। ये हमारा फ्रंट साइड है। पाइपिंग को स्टिच करने के लिए मैंने सिंगल फुट का यूज किया है। पाइपिंग स्टिच करते वक्त इसे हमें खींचना बिल्कुल भी नहीं है, इसे हल्के हाथों से हमें इसके ऊपर लगाना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर पाइपिंग स्टिच कर ली है। आप देखिए, इस पाइपिंग को मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगी
और इस पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते हुए मैं इसे स्टिच करूंगी। इस प्रकार से स्टिच करने के बाद में जो हमारा ये एक्सेस मार्जिन है इसे हम कट करके हटा देंगे। इसके बाद हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम टॉप की स्टिचिंग लगाते हुए इसे स्टिच करेंगे। इस प्रकार से देखिए हमने इसे फाइनल स्टिच कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमने ये वाला कुटका लगाया था इस कुटके से मिलाएंगे इस तरीके से और इसे इस तरीके से सेट करते हुए हम पाइपिंग के बिल्कुल जड़ में स्टिचिंग लगाते हुए इन दोनों पोर्शन को एक साथ अटैच कर लेंगे। इस प्रकार से हमने देखिए इसे स्टिच कर लिया है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी दूसरी आस्तीन है उसे हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों आस्तीन को इस प्रकार से स्टिच कर लिया है। अब फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात यह है जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो साइड है इसे हमें फ्रंट साइड में रखना है, तो हम इसे इस तरीके से रखेंगे। और जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है इस सेंटर पॉइंट से हम अंदर की तरफ गड़ाव लगाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर ये अंदर के गड़ाव की मार्किंग कर ली है। अब इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। और इस गड़ाव को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पर हम कुटका लगा लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स जो हमारी ट्यूलिप स्लीव्स है वो स्टिच होकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।